we are doing inferential statistics and i told you in previous lecture that there are two basic components of inferential statistics number one uh, estimating population parameter and then number two testing hypothesis basically all the concepts are interrelated and they are connected and uh, uh, estimating population parameter is very much linked with the testing hypothesis to argue particularly statistical testing karenge hypothesis testing can the let's do some definitions and try to understand what do we mean when we talk about testing hypothesis. Uh, so what is logic of hypothesis testing? Basically we hypothesis testing is a statistical procedure that allows researcher to use sample data to draw inference about the population of interest. For example, की uh, Va university K average IQ to students is that is 100, right? वी ड्रू सैंपल से फिफ्टी थर्टी जितना भी हमने सैंपल निकाला और हमें लगा कि सैंपल जो है दैट इज़ ग्रेटर देन हंड्रेड और हमारा जो सैंपल का मीन आया है एवरेज वो पर्स करें हंड्रेड फिफ्टीन आया है अब हमने बेसिकली एक एजम्पन के साथ चलना है वी विल स्टार्ट विद न्यूट्रल एजम्पन एंड वी विल मेक सम एजम्पन अबाउट द पापुलेशन के ओवरऑल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो है एवरेज आई क्यू दैट इज़ हंड्रेड जैसे म्यू इज इक्वल टू हंड्रेड लेकिन आपने सैम्पल कलेक्ट किया और उस सैम्पल में आपका मीन आया है हंड्रेड फिफ्टीन आपका जो ये आया सो नाउ हाउ वी विल टेस्ट कि पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या होगा हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता और हमने बात की थी कि किस तरह से हम पॉपुलेशन के मीन या स्टैंडर्ड इविएशन को एस्टिमेट करते हैं दैट वाज पॉइंट एस्टिमेशन और बाय मेकिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड एस्टिमेटिंग कि पॉपुलेशन का मीन किन दो वैल्यूज़ के दरमियान होगा सो so, अब अगर हमारे पास uh, हम कहते हैं कि एवरेज आई क्यू हंड्रेड है, है लेकिन आपके सैम्पल में हंड्रेड फिफ्टीन है तो वी विल मेक सम एजम्पन्स सो दैट्स वॉट हाइपोथसिस टेस्टिंग बात करते हैं कि इट अलाउज़ रिसर्चर टू यूज सैम्पल डेटा सो यू ऑलरेडी हैव अ सैम्पल डेटा जिसकी एवरेज अमीन हंड्रेड फिफ्टीन आ गई हुई है

सो so, आपका जो सैम्पल का डेटा आया है जो स्टेटिस्टिकल डेटा आपके पास आया है यू विल यूज़ दैट डेटा टू ड्रॉ एन इंफ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर कि क्या वाकई पॉपुलेशन का पैरामीटर इसी के गिर्द होगा इतना होगा या नहीं होगा सो so, हम डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेस्ट आगे जाके यूज करेंगे कंटिन्यूइंग विद द लॉजिक ऑफ हाइपोथिस टेस्टिंग हाइपोथिस की डेफिनेशन क्या है हाइपोथिस बेसिकली इज एन एजाम्पशन और इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट है ना हाइपोथेसिस अच्छा हाइपोथेसिस वही है जो कि टेस्टबल uh, है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप टेस्ट कर सकें बेस्ड ऑन द साम्पल डेटा और उसमें आप डेफिनेटली कोई एजम्पशन बनाते हैं अबाउट द पॉपुलेशन मसलन अगर मैं कहूँ कि हाइपोथेसिस में ये बनाऊँ कि जो पॉपुलेशन का मीन है यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का आईक्यू जो है वो हंड्रेड से ग्रेटर है या मैं कहूँ कि वो हंड्रेड के इक्वल नहीं है सो हाइपोथसिस इज एन एजम्पन मेड अबाउट अ पॉपुलेशन याद रखें हाइपोथसिस टेंटिटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं टेस्ट करने के बाद हम स्टिस्टिकल वैल्यू को इवेलुएट uh, करते हैं और फिर उसकी स्टिस्टिकल वैल्यू के बेसिस पर हम डिसीजन देते हैं कि क्या इंफ्रेंस हमने ड्रॉ किया है अबाउट पॉपुलेशन विच वी विल डू स्टेप बाई स्टेप इन अ मोमेंट बिफोर वी सेलेक्ट द सैम्पल वी यूज़ द हाइपोथसिस टू प्रोडिक्ट दैरेक्टरिस्टिक दैट द सैम्पल शुड है बिफोर वी सेलेक्ट द सैम्पल वी यूज हाइपोथसिस यानी सैम्पल कलेक्ट करने से पहले आप एक हाइपोथिस बनाते हैं और उस एजम्पशन को फिर आप टेस्ट करते हैं आप, आप कहेंगे कि जी अगर सैम्पल कलेक्ट ही नहीं किया तो मैं एजम्पशन कैसे बनाऊँगी राइट right? तो हम बेसिकली चूँकि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच मोस्टली जब हम डिडक्टिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी थेरीज़ मौजूद होती हैं हमारा थेरेटिकल फ्रेमवर्क जैसे आप थीसिस करेंगे आप रिसर्च करेंगे तो उसमें आपने क्लियर कट थेरेटिकल फ्रेमवर्क देना होता है सो so, हमारी थेरीज हमें रिसर्च हमें ऑलरेडी गाइड कर रही होती है किसी एक साइड की तरफ है ना तो फिर हम उसकी बेसिस पे हाइपोथसिस बनाते हैं और फिर हाइपोथसिस को टेस्ट करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करके उसको फिर हम टेस्ट करते हैं और फिर हम पॉपुलेशन के बारे में इंफ्रेंस ड्रा करते हैं नेक्स्ट वी ऑप्टेन अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड फाइनली वी कंपेयर द ऑबटेन सैम्पल विद द प्रडिक्शन दैट वॉज मेड फ्रॉम द हाइपोथिस यानी कि हम पहले देखेंगे कि क्या है उसके ऊपर हम हाइपोथसिस बनाएंगे डेटा कलेक्ट करेंगे उस सैंपल के ऊपर जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको टेस्ट करेंगे और फिर इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे Uh, एक मैं एग्जाम्पल इग्जाम, देती हूँ लॉजिक ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर रिफर्स करें कि एक का स्टॉक मार्केट है राइट और उस स्टॉक मार्केट में कोई एक्स वाई जी कंपनी है जिसके शेयर्स हैं और अगर मैं यहाँ पे उसके ड्रॉ करूँ तो ओवर लास्ट टेन इयर्स उस शेयर्स का जो है फ्लक्चुएशन ऐसे है राइट सो फ्रॉम टू थाउजेंड से लेके ट्वेंटी ट्वेंटी तक उसकी जो रेट्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी एक्स वाई जी कंपनी के शेयर्स की वो इस तरह से है अब आप देख सकते हैं कि इसमें जिगजैग है और इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड मिलता नज़र आ रहा है कि वो इंक्रीज में जा रहा है और ट्वेंटी ईयर्स में वो सिग्निफिकेंटली शेयर्स की प्राइस जो है वो ऊपर चली गई अब हमने इसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाना है कि क्या इस कंपनी के शेयर्स ख़रीदना फ़ायदेमंद है या फिर क्या एक्स वाई जी कंपनी जो हमने इसका डेटा देखा है इज इट लाइक अ देर इज़ अ ट्रेंड विच विल कंटिन्यू और देर इज़ अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स या फिर ये जस्ट एक रेंडम नॉइज़ है कि ये जिक जय कर रहा है और उसमें सो so हम इसके लिए फिर हाइपोथिस बनाते हैं सो लॉजिक हाइपोथसिस टेस्टिंग की ये भी है कि आप जितनी भी आपकी जम्शनस हैं रियल वर्ल्ड के अंदर आप उसको एक हाइपोथेटिकल सिनारी में रखते हैं और फिर उसको आप टेस्ट करते हैं टू मेक इट रियल टू मेक इट कंक्रीट सो द बेसिक आइडिया इज लाइक हैविंग रीज़न अबाउट द रियल वर्ल्ड बाय सेटिंग अप अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड यानी अब मेरे पास ये रियल वर्ल्ड का डेटा है स्टॉक के प्राइस हैं अप एंड डाउन है लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड भी है सो आई वॉन्ट टू टेक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड वॉन् मेक इट अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड कि हाँ एक्स वाई जी कंपनी के जो स्टॉक के प्राइस हैं शेयर्स uh, के वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हैं फॉर लास्ट ट्वेंटी ईयर्स लेकिन उसके अगेंस्ट हम ये अभी आके बात करेंगे नाल हाइपोथसिस और अल्टरनेटिव की uh, जिसमें हम कह सकते हैं कि नहीं एज uh, सच कोई ट्रेंड नहीं है दिस इज़ अ रैंडम नॉइज या दिस इज जस्ट अ रैंडम वॉक द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ द डेटा आर देन कंपेयर टू वट वुड बी जनरेटेड इन द हाइपोथेटिकल वर्ल्ड सो जैसा आपको मैंने भी बताया कि जो हमारा प्रीवियस पिछले 20 साल का डेटा है उसके ऊपर मैं अगर बेस करूंगी तो मैं कहूँगी कि हाँ एक इंक्रीज का ट्रेंड है तो उसके ऊपर बिल्ड करूँगी मैं अपना हाइपोथेसिस, विच इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस, देन आई विल कलेक्ट सम मोर डेटा अबाउट द एक्स वाई जी कंपनी एंड देन आई विल टेस्ट कि क्या वाकई इट्स जस्ट अ रेंडम नॉइज या वाकई उसके प्राइस uh, इंक्रीज में एक ट्रेंड um, है सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें हेल्प करती है कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इंतहाई ऑब्जेक्टिव वे में जाके टेस्ट करें उसको स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगा के उसको टेस्ट करें और फिर हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करें कि क्या जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं उनको हम टेस्ट करके क्या कंक्लूजन्स अबाउट द बिगर पॉपुलेशन दे सकते हैं एंड यू बीग अ साइंटिस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि वी आर इंटरेस्टेड इन द बिगर पॉपुलेशन वी वॉन्ट टू ड्रा इन्फ्रेंस अबाउट द बिगर पॉपुलेशन रादर दैन जस्ट द स्मॉल सैम्पल सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वॉट आर द स्टेप्स फॉर हाइपोथेसिस uh, टेस्टिंग uh, किसी भी स्टेटिस्टिकली उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे